श्रीमद् भागवत गीता जिसे सम्मान से गीता उपनिषद भी कहा जाता है, जो ज्ञान से परिपूर्ण प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में समस्त विश्व के सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाते हैं। आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, धर्म, अधर्म, सुख, दुख, पाप, पुण्य, देवी, देवता, पूजा, भक्ति, रिश्ते, नाते, अपने पराये, जन्म, मृत्यु, कर्म, प्रकृति, पुनर्जन्म, स्वर्ग, कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो श्रीमद् भागवत गीता से छूटा हो। इसलिए इस दिव्य ज्ञान के धार्मिक ग्रंथ पर थोड़ा सा भी संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह ग्रंथ आदिकाल से वर्तमान तक, जब तक मनुष्य का अस्तित्व पृथ्वी पर है, तब तक इस ग्रंथ की प्रासंगिकता बनी रहेगी। श्रीमद् भागवत गीता हमारे प्राचीन भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को दर्शाता है। कहा जाता है शब्द भगवद का मतलब है भगवान और गीता का गीत यानी कि भगवान का गाया हुआ गीत। श्रीमद् भगवत गीता दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत का एक अध्याय भीष्म पर्व का हिस्सा है। इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। धार्मिक ग्रंथों के आंकड़ों के अनुसार भगवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन को आज से लगभग 7000 वर्ष पहले दिया था। गीता रणभूमि की विकट परिस्थितियों में अध्यात्म और कर्तव्य की प्रेरणा का अनूठा उपदेश है। इतिहास के जानकारों और शोधकर्ताओं के अनुसार 18 फरवरी 5115 ईसा पूर्व रविवार को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच 45 मिनट बातचीत हुई थी, जिसे जय नामक काव्य में 72 पद्यों के माध्यम से व्यक्त किया गया था। हालांकि आज इसके विस्तृत संस्करण महाभारत में यह ज्ञान 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में वर्णित है, जो कि 3 वर्गों में विभाजित है। प्रत्येक में 6 अध्याय हैं। भीष्म पर्व के अध्याय 25 से 42 में वर्णित इस उपदेश को गीता, भगवत गीता या श्रीमद् भगवत गीता नामों से जाना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, धृतराष्ट्र ने 1 तथा संजय ने 40 श्लोक कहे हैं। यह देखा जा सकता है कि नंबर 18 महाभारत में कई जगह प्रयोग हुआ है। नंबर 18 का मतलब संस्कृत में जया होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ बलिदान से है। 18 त्यौहार गीता में 18 अध्याय अक्षौणी अर्थात 18 जरासंघ का 18 बार आक्रमण, और कहा जाता है कि पांडवों के पास 11 अक्षौणी सेना थी और कौरवों के पास 7 अक्षौणी, तो कुल मिलाकर हुई 18। इस प्रकार 18 अंक का महाभारत में बहुत महत्व है। भगवद गीता मूलतः शास्त्रीय संस्कृत में लिखी गई है, परंतु इसे अब तक 175 भाषाओं में अनुवादित किया जा चुका है। भगवद गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद 1785 में चार्ल्स विल्कंस ने लंदन में किया था। यही गीता की विश्वव्यापी स्वीकृति का प्रमाण है। विश्व जनमानस को भारतीय दर्शन और अध्यात्म से परिचय कराने वाले इस काव्य का अध्ययन और अध्यापन आज ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और बर्कले जैसे अग्रणी विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। गीता महज 700 श्लोकों में सीमित है, लेकिन अपने कथ्य और प्रभाव में यह किसी महाकाव्य से कम नहीं है। इस प्रभाव का वर्णन अल्बर्ट आइंस्टाइन से बेहतर कौन कर सकता है, जिन्हें अफसोस था कि वे अपने युवा काल में इस ग्रंथ के बारे में नहीं जान सके, नहीं तो उनके जीवन की दिशा कुछ और होती। उनका वक्तव्य है कि जब मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ तो इसके अलावा सब कुछ मुझे काफी उथला लगता है। हिटलर ने भगवद गीता को संस्कृत से जर्मन में ट्रांसलेट करवाया था ताकि वो इसमें छिपे राज को जान सके। परमाणु बम के जनक रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने पहले परमाणु विस्फोट के बाद हिंदू धर्म ग्रंथ भगवद गीता का उदाहरण दिया। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu. ऐसे कई साइंटिस्ट हुए हैं जो अपने समस्या का समाधान गीता में ढूंढते थे। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस समय दिया था जब वह निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थे। वह घोर अंधकार और निराशा की स्थिति में थे। वह सांसारिक मोह माया से घिरे हुए थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ वही ज्ञान सूर्य ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था।
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को देने से पहले सूर्य अपने पुत्र को दिए थे। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान न केवल अर्जुन बल्कि तीन और लोगों ने सीधे कृष्णा से गीता का उपदेश सुना। संजय क्योंकि उसे उपहार में दिव्य शक्ति मिली थी, हनुमान क्योंकि वह अर्जुन के रथ पर थे, बारबरीक घटोत्कच का पुत्र जो यह सब एक पहाड़ी के ऊपर से देख रहा था। श्रीमद् भगवत गीता का लोकार्पण अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली के इस्कॉन टेंपल में हुआ था, जिसका वजन 800 किलोग्राम बताया जा रहा है, जो कि विश्व में अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड है। इसे बनने में करीब 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी छपाई पूरी होने में करीब 2.5 साल का समय लगा है। इसके कवर पेज को बनाने के लिए सैटेलाइट के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिव्य है और अनमोल भी, इसलिए हम सभी को श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना चाहिए और उसमें बताए गए उपदेशों को अपने जीवन में पालन करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल बिग क्लब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।